किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि फूल गोभी की बीज किस तरह से तैयार करते हैं। आप ये जो खेत देख रहे हैं पीले पीले सरसों के जैसे, ये सरसों नहीं है, ये है फूल गोभी। यहाँ पर इस समय फूल गोभी की बीज तैयार की जा रही है। ये बीज किस तरह से तैयार की जाएगी, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी, आज ये सभी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी चीज़ें बताई जाती रहती हैं समय समय पर। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे आपको गोभी की बीज तैयार करनी है और उसके लिए पौधे का चुनाव किस तरह से किया जाएगा, तो पौधे के चुनाव के लिए जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो ये है कि जैसे आपको जिस पौधे से फूल गोभी की बीज तैयार करनी है वो पौधा स्वस्थ होना चाहिए, उसके जो फूल लगे होते हैं वो गठीले होने चाहिए और साथ में सफ़ेद भी रहे और उस पे शंख जैसी आकृति बनी रहे, तो ये होती है एक स्वस्थ फूल गोभी की पहचान। और ये स्वस्थ फूल गोभी की जब आप पहचान कर लेंगे तब उसे आप छोड़ दीजिए फूल गोभी की बीज तैयार करने के लिए। अब आगे क्या किया जाएगा हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, यह हमारा एक गोभी का फूल है जो पूरी तरह से ठोस है और साथ में इस पे शंखदार आकृति बनी हुई है। अब इस जैसे पौधे से हमें तैयार करना है बीज, तो जब ये पौधा हम छोड़ देते हैं तो फिर इस अवस्था में आ जाता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसके बाद ये फिर दूसरी अवस्था में चला जाता है। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो हमारा फूल है वो इस तरह से हो गया है। अब इसमें उभार आना शुरू हो गया है और ये सब कल्ले बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बीच वाला भाग बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसका भी उपाय हम आपको यहाँ पर बता देंगे। अब देखिए, ये बीच वाला भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो कल्ले बाहर बड़े बड़े निकल गए हैं और इसके बाद अब और भी ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब सरसों के जैसे स्थिति यहाँ पर बन रही है। इसके बाद इसमें से पीले पीले फूल निकलेंगे और साथ में जैसे सरसों में बीज लगते हैं उसमें फलियाँ लगती हैं, उसी तरह से इसमें भी बनेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो बीच वाला भाग है इसको कहते हैं कलम करना। अब बीच वाला भाग को हम काट करके निकाल देते हैं। अब हम आपको इसका कारण भी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। तो देखिए, ये जो बीच वाला भाग है, ये जो है फूल जब ठोस होता है तो बीच वाले भाग का विकास सबसे कम होता है, किनारे के फूल सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं लेकिन बीच वाला भाग नहीं निकलता है, तो जिससे जो उसके बगल में है आप देख रहे हैं कि वो सब मुड़े हुए हैं, सही से नहीं निकल पा रहे हैं। तो बीच वाले भाग को हम खुरपी की सहायता से बहुत ही आसानी से काट करके निकालेंगे और ये जो बीच में इसे काट करके हम निकालेंगे इसका उपयोग हम खाने में भी कर सकते हैं। तो अब इसको काट करके निकाल देंगे जब, तब किनारे वाले भाग का विकास बहुत तेजी से होगा। अब देखिए, यहां पर हम काट के निकाल रहे हैं। इसमें खुरपा इस तरह से चलाया जाएगा कि जिससे अगल बगल के जो भी कल्ले निकल रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। अब आपने देखा कि हमने जो बीच वाला भाग था इसको निकाल दिया, इसे कहते हैं कलम करना। और अब ये फूल कलम हो गया है। अब ये फूल कलम होने के बाद अपना विकास करेगा और फिर सरसों की जैसी अवस्था में आएगा, जो अवस्थाएं आपको हमने पहले दिखाया, उस अवस्था में आने के बाद सरसों की तरह इसमें फलियां लग जाएंगी। और उसके बाद आप जब जैसे सरसों आप काटते हैं, जब वो सूखना शुरू हो जाती है, पूरी तरह से सूख जाती है, खेत में फटने से पहले उसको काट लेते हैं, उसी तरह से इसको भी फटने से पहले काट लिया जाएगा। और काट करके जिस तरह से सरसों आप पीट करके उसके बीज को निकाल लेते हैं, उसी तरह इसके बीज को हम निकाल लेंगे। और बीज को निकालने के बाद हम उसे एक
शीशे के बोतल में जो पूरी तरह से धुल करके साफ कर दिया जाता है उस बोतल में रख देते हैं, और उस बोतल में रखने के बाद ऐसे जगह पे उसको रखा जाएगा जहाँ पर नमी की मात्रा ना हो। अब जैसे आप सूखे स्थान पे रखेंगे, लेकिन अगर उसे हवा या नमी पानी कुछ भी लग गया तो वो आपकी बीज खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप ये सावधानी रखिए कि ऐसे जगह पर मत लगाइए जहाँ पर उसे नमी मिले या हवा लगे। एक इसके लिए और भी हम आपको उपाय बता दें कि आप जैसे धान या गेहूं रखते हैं अपने घर में, तो उस बोतल को पूरी तरह से सील बंद करके धान गेहूं के अंदर आप उसको रख दीजिए। दरअसल धान और गेहूं में होता ये है, या चावल, उसमें जब आप रख देंगे तो ये सब ऐसे खाद्यान्न हैं जो नमी को पहले सोख लेते हैं। तो जब ये नमी को खुद सोख लेंगे तो बोतल तक नमी को नहीं पहुंचने देंगे, जिससे आपकी बीज सुरक्षित पड़ी रहेगी। अब बात आती है कि बीज कितने दिनों तक चल सकती है। तो आपकी ये जो बीज है इसको आप साल भर तक प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि जो एक्सपायरी डेट होती है, जैसे आपने बीज दिसंबर में तैयार किया है, तो आप जो अगला दिसंबर होगा आपका, वहाँ तक आपकी बीज एकदम पूरी तरह से चलेगी, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, ये तो है साल भर के अंदर 100% आपको जमाव मिलेगा, लेकिन अब 6 महीना और उस बीज को आप रख सकते हैं। तो ये जो बीज होगी 6 महीना, जैसे अगर आप 1.5 साल रख दिए उसको, तो उसमें से जमाव आपका आएगा लगभग 80 से 90%। साल भर अगर रखेंगे तो 100%, और 1.5 साल रखेंगे तो 80 से 90% जमाव आएगा। अब अगर आप 2 साल कर दिए तब उसमें ये समस्या आती है, या तो जमाव 10-20% आएगा या 50% आएगा। तो इसलिए आप जो बीज तैयार करते हैं उसको आप पूरे 1.5 साल तक बहुत बढ़िया तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि फूल गोभी की बीज किस तरह से तैयार करते हैं, उसको कलम किस तरह से करते हैं, और ये सारी प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से सीख करके आप आसानी से अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। आप लोगों का एक प्रश्न ये होगा कि हमारे यहाँ ये वैरायटी है। देखिए, सभी प्रकार की वैरायटी में आप फूल गोभी की बीज तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी बीज तैयार करने के लिए किसी विशेष वैरायटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर प्रजाति के गोभी में आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया फूल गोभी की है और पत्ता गोभी की ये प्रक्रिया नहीं है। तो आप ध्यान जो देने वाली बातें हैं उनका आप दीजिएगा, और जब आप ये बीज उत्पादन कर लेंगे तो अगली साल जब आप जमाव करेंगे तो ये किस प्रजाति की बनेगी और इसका उत्पादन क्या होगा। देखिए, जब आप स्वस्थ पौधे का चुनाव किए हैं, सब कुछ अच्छी तरह से जो वीडियो में हमने बता दिया है आगे आपको, उस हिसाब से जब आप चुनाव कर लिए हैं तो आपकी जो अगली प्रजाति तैयार होगी उस समय में तैयार होने वाली प्रजाति ही रहेगी। जैसे आप की गोभी दिसंबर में तैयार होने वाली है तो वो बीज दिसंबर में ही तैयार होगी, तो उसके 2 महीने पहले आपको नर्सरी वगैरह डाल लेना रहेगा। तो अब आप उस दिसंबर में गोभी बेचने के लिए ही उस बीज का प्रयोग करेंगे, और साथ में जो उसका उत्पादन रहेगा, तो जिस प्रजाति की बीज आप तैयार किए थे जितना उसका उत्पादन था उतना ही इसका उत्पादन होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और है, वो ये है कि हाइब्रिड इसका कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, अब हाइब्रिड की अगर प्रजाति की हम बात करें कि हाइब्रिड किस तरह से तैयार की जाएगी, तो ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। कठिन प्रक्रिया ये है कि आप इसको कर नहीं पाएंगे, इस वजह से इसको यहाँ पर बताना सही नहीं है। और वैसे जो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी है ये काफ़ी ठोस है, इसका कई सालों से हम खुद प्रयोग करते आ रहे हैं। बचपन से ही हमारे पहले माता पिता तैयार करते थे, अब हम तैयार करते हैं, तो इस बीज पर हमें पूरी तरह से विश्वास है। अब आप इस वीडियो से सीख लिए हैं, आप तैयार कीजिए और अगली साल आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का, और साथ में आपको खरीदारी भी नहीं करनी पड़ेगी, उसका भी पैसा आपको बच जाएगा। तो अगली साल जैसा रिजल्ट रहेगा वैसा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी रही
हमें जरूर बताइएगा, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हम बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल पे देते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं। जय जवान, जय किसान।